जवानी में जुर्म करेंगे तो बुढ़ापे में सजा भुगतनी ही पड़ेगी, ऐसा कहना है एचएस पुलका का। 1984 के सिख दंगे में पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाले एवं सिख दंगों के मुख्य दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दिलवाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरविंद्र सिंह फुलका का सोलन पहुंचने पर सिख संगत द्वारा जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब परून में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। सपरून गुरुद्वारा साहिब में हरविंद सिंह फुलका ने अपने विचार साझा किए और 1984 दंगे पर विस्तार से जानकारी भी दी। इस अवसर पर सोलन, सपरून, डगसाई, सुपुथू, कंटाघाट, गुरखल गुरुद्वारा साहिब के प्रतिनिधियों ने हरविंद सिंह फुलका को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि सिख दंगा पीड़ितों के लिए निःशुल्क 35 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी है उन्होंने और मुख्य दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दिलवाने में वो कामयाब भी हुए हैं। हरविंद सिंह फुलका ने कहा कि पूर्व में केंद्र में रही यूपी की सरकार नहीं चाहती थी कि दंगा पीड़ितों का केस आगे चले और पीड़ितों को न्याय मिले। फुलका ने दिल्ली में सिख ड्राइवर पर पुलिस द्वारा बरसाए गए डंडों का विरोध भी किया और मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए 1984 में तो जो था वो तो एक सरकार की तरफ से, जो उस टाइम की कांग्रेस की सरकार थी, उसकी सरकार की तरफ से एक सोची समझी साजिश थी और एक प्लान बना के जो सिखों को मारा गया, जो कि नरसिंहार था और जिसको कि जीनोसाइड कहते हैं, वो उस तरीके से करा गया। वाहगुरु की मेहर से, भगवान की मेहर से ये जो जीत हुई, ये बहुत बड़ी जीत है और ये ज़रूरी थी। आखिरकार ये जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये जीत जरूरी थी, ताकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके मन में खौफ हो कि आज हम सत्ता में हैं, अगर हम ऐसे घरूणी जुर्म करेंगे, अकेले कोई सिखों की बात नहीं है, किसी के भी खिलाफ ऐसे हम कानून को तोड़ेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब कानून के शिकंजे में हम आएंगे। जवानी में हम जुर्म करेंगे तो बुढ़ापा जेल में करना पड़ेगा। तो मैं नवंबर में ही 1984 में ये केसेस करने शुरू कर दिए, तो मेरी उम्र तब 28-30 साल की थी और मैं 3 साल का मेरा तजर्बा था वकालत का, तो मगर मैं तभी से ये केसेस करने शुरू किए। जो मिश्रा कमीशन 1985 में अपॉइंट हुआ जो, और उसमें पीड़ितों की तरफ से मेन जो लॉयर था मैं ही था। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। विल यू डाउट योर ड्रीम्स और डिसाइड टू सक्सीड? एट शूलिनी यूनिवर्सिटी यू जॉइन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टॉप प्रोफेशनल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स थ्रू वर्ल्ड क्लास इनोवेशन एंड रिसर्च। शूलिनी यूनिवर्सिटी, थिंक लर्निंग, थिंक सक्सेस।